मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस वक्त जो बयान दिया उसमें कहा कि कहीं भी राजनीति नहीं थी और ये लास्ट मिनट का रूट डिसाइड हुआ था कि ये रोड से जाएंगे प्रधानमंत्री। मैं आपको वहीं ले जाना चाहती हूं, उसी फ्लाईओवर पर जहां मेरे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना खड़े हुए हैं। चिन्ना जी, जिस वक्त प्रधानमंत्री का कारकेड वहां से निकल रहा था, अगर आप देखें तो उनकी विंडस्क्रीन पर कुछ छींटे भी हैं। क्या बारिश का माहौल था उस वक्त, और उस वक्त बारिश में लोगों का आना, क्या ये आपको लगता है कि साधारणता इस तरह हुआ होगा? क्योंकि प्रोटेस्टर्स जिस रूट पर प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं था वहां खड़े क्यों थे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने बड़ी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन हम अपने दर्शकों को ग्राउंड दिखाएंगे। ये जिस जगह पे मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कैवलकाड रोका गया, और मैं अपने कैमरामैन साथी को बताऊंगा कि थोड़ा सा घुमा के दिखाया जाए कि ये कुछ मीटर्स की दूरी पे वो प्रोटेस्टर बैठे हुए थे। आप देख सकते हो ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर पे कोई ऐसा कोई भी कट नहीं है कि यहाँ से यू टर्न लिया जा सकता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ स्टक हो गई हैं, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ से 10 मीटर की 15 मीटर की दूरी पे प्रोटेस्टर बैठे हुए थे। जब ये रूट ही नहीं था तो वो प्रोटेस्ट करने क्यों आए थे? लेकिन अब हम ऐसा दृश्य दिखाएंगे कि सिक्योरिटी लैब्स पे कैसे सवाल खड़े होते हैं, क्यों मुख्यमंत्री इसकी सफाई दे रहे हैं, जबकि ये फ्लाईओवर है जिस पे हम इस समय खड़े हैं। तो आइए दिखाते हैं इस साइड पे, फ्लाईओवर के बिल्कुल पास में ये देखिए, ये बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, और सब कुछ है। और जैसे कि हम लगातार देखते रहते हैं कि जो पेट्रोलिंग होती है, अगर बिल्डिंग पास में है वहाँ पे अगर पुलिस वाले डिप्लॉय किए होते तो अगर यहाँ पे लोग इकट्ठा होता तो पेट्रोलिंग जीप्स होती हैं जो लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मीटर दूरी पे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे रैली ग्राउंड थी, और रैली ग्राउंड को मुख्यमंत्री साहब खुद भी बोल रहे हैं कि हमने बड़ी सुरक्षा दी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट की थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहना कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स नहीं है और अपने आप को विड्रॉ करना, ये तस्वीरें ही दर्शाती हैं। एक बार फिर से हम दिखा दें दर्शकों को, ये जो इधर मैं दिखा रहा हूं जो तस्वीरें, ये रूट है, ये बठिंडा की तरफ से आ रहा है, यहां से प्रधानमंत्री जी का कैवलकेड आ रहा था, और यहां पे हम खड़े हैं, यहां पे कैवलकेड को रोकना पड़ा क्योंकि आगे प्रोटेस्टर खड़े थे। प्रोटेस्टर किस तरफ खड़े थे, हम दोबारा कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए कि ये जो रोड है, ये रोड सीधा उस रैली ग्राउंड को जाता है, ये फिरोजपुर को जाता है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कैवलकेड को रोकना पड़ा। और जो तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में भी है, यही वो जगह है, यहाँ से प्रधानमंत्री का कैवलकेड एसपीजी ने वापस किया, यहाँ से मोड़ा। क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो ये फ्लाईओवर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कट नहीं है कि यहाँ से आगे से यू टर्न लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना उस समय प्रेशर होगा जो एसपीजी पे ऊपर, और अगर मुख्यमंत्री की बात माने कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिखाया नहीं है, क्योंकि बहुत साफ हो जाता है कि अगर फिरोजपुर की तरफ जहां प्रधानमंत्री जा रहे थे अगर वहां सिक्योरिटी डिप्लॉयड होती तो वहां जरूर पेट्रोल की जीप्स होती, वहां साइड में रस्ते में पुलिस कर्मी होते, कुछ भी ऐसा नहीं था जो दृश्य हम देख रहे हैं। और वहां आपको प्रोटेस्टर्स बिल्कुल साइड में, जिस तरह से कार आ रही है उसके आसपास आपको प्रोटेस्टर्स भी दिखा रहे हैं, हमने उसको मार्क भी किया 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो दिख रहा है 7 फीट दूर अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी से प्रोटेस्टर्स आकर खड़े हो सकते हैं तो ये सुरक्षा चूक नहीं है तो और क्या है? आइए यही सवाल आज पूछेंगे। हमारे साथ जुड़ रहा है पैनल हमारे मेहमान, और उनसे पूछेंगे कि क्या चरणजीत सिंह चिन्ना यानी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उन्होंने जो कहा आप उनकी बात से सहमत हैं, या सवाल जो स्मृति ईरानी जी ने और बीजेपी ने उठाया है कि ये एक खूनी सहयोग था, इस पर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सिन्हा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुहेल सेठ हैं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गुरु हैं, शहजाद पूनावाला भी हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी
पुरोहित जी से। वरुण पुरोहित जी, ये इतनी लंबी चौड़ी आपने सफाई दी, लेकिन जो मौका है वारदात पर इस वक्त चिन्ना जी ने जो दृश्य दिखाया, आसपास आपको कहीं पर भी पुलिस के कर्मी वहां पर नजर नहीं आ रहे, पुलिस की कोई टुकड़ी वहां नहीं है, कोई पेट्रोलिंग जीप नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुरक्षा दिखाई। और हमेशा कम से कम 30 साल से तो मैं कवर कर रही हूं पॉलिटिक्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस रूट पर प्रधानमंत्री को जाना हो वहां पर एक अल्टरनेट रूट, एक प्लान बी ना हो। और जबकि आज पहले से ही अंदेशा था कि बारिश का समय होगा और शायद चॉपर को उड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो रोड का रूट ना प्लान करना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चन्नी जी की जो सफाई आई है, इसको आम जनता कैसे मानिए? देखिए, चन्नी जी ने बिल्कुल एक एक पॉइंट पे सफाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी कार्यालय में जो मैसेज किया उसके बाद उनके पास मैसेज आया, हर चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। जहां तक आप प्लान वन, प्लान बी, ए बी की बात करो, ये एसपीजी को हमने तो दो दो प्रधानमंत्री, हमारे दो नेता खोए, हमारे से ज्यादा दर्द तो कोई जान ही नहीं सकता है। हमको पता है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अगर चूक हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से या जो भी इंक्वायरी कराना चाहते हैं उससे इंक्वायरी करानी चाहिए। चन्नी जी ने तो तुरंत आकर के सामने आए, उन्होंने, आप देखिए उनका जो बोलने का तरीका है, स्मृति ईरानी जी का जो बोलने का तरीका है, दोनों आप कंपेयर कर लीजिए। आप कांग्रेस को खूनी खूनी कर रहे हो, किस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हो हर चीज में। कैप्टन सीडी कैप्टन रावत का अगर वो हेलीकॉप्टर चला गया उसमें भी कांग्रेस दोषी थी क्या? ये सिक्योरिटी लैप्स अगर हो रहे हैं तो इसके लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है। इंटेलिजेंस एजेंसी रोहित जी, अगर अगर कोई चूक हुई ही नहीं, अगर कोई चूक हुई ही नहीं तो फिर फिरोजपुर के एसएसपी को हटाया क्यों? क्यों हटाया? नहीं, नहीं। वो बेचारा किस बात की किस बात का हर जाना भर रहा है? अगर कोई वहां पर सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं शहजाद पूनावाला, क्या ये सवाल नहीं उठता? जो इस वक्त कांग्रेस कहना चाह रही है कि ये सारा ड्रामा किया गया है बीजेपी के द्वारा, क्या एसएसपी फिरोजपुर का हटाना और इतनी जल्दबाजी में और इतनी नर्वसनेस में हटाना ये दर्शाता नहीं कि कहीं ना कहीं ये चूक जो हुई है इसे मान लिया गया है? देखिए नाविका जी, केवल फिरोजपुर के एसएसपी को हटाने का प्रमाण नहीं है, आपके पास डिप्टी सीएम जो पंजाब के है रंधावा साहब, उनका भी ऑन रिकॉर्ड बयान है कि चूक हुई है। और इसके अलावा सुनील जाखड़ जैसे इनके कांग्रेस के नेता भी है जिन्होंने कहा ये पंजाबियत के खिलाफ आज जो भी हुआ है। मैं आज कुछ स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके जवाब मिलने चाहिए। ये तय हो, ये आपको पता है, क्लियर है एमएचए के स्टेटमेंट से कि डीजीपी से पूछा गया, क्लियरेंस ली गई रूट के लिए, हालांकि जरूरत नहीं होती है परंतु फिर भी लिया गया। क्या डीजीपी ने गलत और फेक क्लियरेंस दी? सिर्फ ये पंजाब पुलिस को पता था कि रूट कौन सा अपनाया जाएगा, एसपीजी को तो लोकल रूट पता नहीं होगा। वो पंजाब पुलिस का रूट किस प्रकार से, मैं प्रदर्शनकारी नहीं कहूंगा, पेड पॉलिटिकल मर्सनीज को कैसे पता चला, उनको लीक किसने किया? तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये पेड पॉलिटिकल मर्सनीज वहां तक पहुंच गए, उनको हटाया क्यों? और मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो दिखाने वाला हूं प्यारे आना गांव में, वहां पर पुलिस इन पेड पॉलिटिकल मर्सनरीज के साथ चाय पी रही थी उनको हटाने के बदले, तो उनकी कितनी साठगांठ का वीडियो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चौथा सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री फोन क्यों नहीं उठाते? क्या वो असक्षम है, गैर जिम्मेदार है? एक बॉर्डर स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से उनकी व्यवस्था से फोन आ रहा है, वो फोन नहीं उठाता। पांचवा पॉइंट, कांग्रेस के नेता अगर ये साजिश नहीं थी तो जश्न क्यों मना रहे थे, चाहे वो श्रीनिवासन हो चाहे वो और कांग्रेस के नेता हो। छठा पॉइंट, एक प्रोटोकॉल होता है, सीएम, डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी उपस्थित होता है जब प्रधानमंत्री जाते हैं। आज तीनों की गाड़ियां कॉन्वॉय में थी पर तीनों में से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था। क्या उनको पता था ये साजिश की जाने वाली है और इसीलिए वो तीनों में से एक भी व्यक्ति मौका वारदात पर मौजूद नहीं था? रूट केवल पुलिस को पता था, वो पुलिस ने रूट किसको लीक किया और क्यों लीक किया? और ये देखिए, तो पुरानी आदत बन चुकी है ना कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रनीति पर राजनीति करना, पारिवारिक हित को देश हित के ऊपर रखना, बार बार आतंकियों के साथ खड़े रह जाना और देश के सेना के मनोबल को तोड़ना, देश के मनोबल को तोड़ना। ये तो कल भी राहुल गांधी कर रहे थे, आज सिद्धू ने बताया किस प्रकार से सीक्रेट मीटिंग में है राहुल गांधी। क्या ये सीक्रेट मीटिंग में ही राहुल गांधी ने तय किया कि प्रधानमंत्री की जान पर खतरा किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संगीन आरोप है और आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत 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 अहम है। और सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक आम आदमी की दृष्टि से आप इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो बात शहजाद पूनावाला ने अभी कही कि तीन गाड़ियां थी
प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी वगैरह की, उनमें गाड़ियां जा रही थी काफिले में प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन लोग मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? और बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि सुरक्षा कर्मी जब वहां फंस गए और 20 मिनट तक एक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर खड़ा रहे, जिस जगह से पाकिस्तान का बॉर्डर 10-15 किलोमीटर दूर है, ये अपने आप में कितनी बड़ा सुरक्षा का की सेंध है, इसको आप समझ सकते हैं। और उस वक्त कोई फोन भी ना उठाए, पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई फोन भी ना ले सुरक्षा कर्मियों का, तो ये किस तरह की सुरक्षा है? और क्या राज्यों को इस तरह की फेडरल फ्रीडम है कि वो एक देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को भी इंश्योर नहीं कर सकते? देखिए नाविका जी, मेरे ख्याल में आज हमने इस देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर की तोहीन की है, हमने प्रधानमंत्री की तोहीन की है, और हमने भारत एक किस्म से हमने भारत की तोहीन की है। लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि भी ये देखिए, भारत का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं तो ना बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, तो मेरे ख्याल में बीजेपी कांग्रेस वो लड़ाई करते रहेंगे, पर जो श्रीनिवास जी ने कहा कि वेयर्स द जोश, ये बातें ना बहुत ही तुच्छी बातें होती हैं। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ी तहजीब का क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर टू, चन्नी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं कहा जो मुद्दा आपने उठाया था कि भाई अगर कोई किसी ने कोई गलती की नहीं तो वो आप फिरोजपुर एसएसपी की जान के पीछे क्यों पड़ गए, उनको क्यों आपने निकाला? डीजीपी, अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहा हो, डीजीपी की क्या हिम्मत है कि वो उस काफिले में नहीं शामिल हो? वो भी नहीं शामिल थे। नंबर थ्री, एसपीजी ने आज अपना जीवन, अपनी लाइफ रिस्क पे लगाई हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो काफी लोगों की जाने आज रिस्क पे थी, प्रधानमंत्री की तो थी ही, साथ साथ हमारे एसपीजी वालों की भी थी। और चन्नी जी का ये कहना कि नहीं भाई हमने लोगों को उठाया रात को और फार्मर्स तो प्रोटेस्ट करते हैं, मैं फार्मर्स को कैसे उठाऊं, ये किसी को उठाने या बैठाने की बात नहीं है। बात सिंपल है, आपके प्रदेश में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आए, आपको मालूम था वो आ रहे हैं, वो छुप के तो आए नहीं, आपको मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपने नहीं फॉलो की। अगर मैं चन्नी जी होता, मैं अपना इस्तीफा देता और लोग उनकी सराहना करते कि हाँ देखिए, देखिए बड़प्पन इसमें है नाविका जी, जब सबसे बड़ा आदमी सबसे छोटे आदमी की गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं ये नहीं कह रहा कि चन्नी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, पर मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाते जाते लोग कहेंगे कि ठीक है भाई हमारे प्रदेश में आए, हम परवाह नहीं करते। वरुण जी ने सही कहा, कांग्रेस ने दो नेता खोए हैं, इंदिरा जी और फिर राजीव जी, उनको उनको मालूम है कि इसकी इसकी पेन क्या है। पर वरुण जी आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। ठीक है आप जज की इंक्वायरी बिठाइए, किसी की भी इंक्वायरी बिठाइए, पर ये हुआ क्यों? और मैं खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता, हम क्या कहते और हम क्या करते? अगर वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर कुछ ज्यादा कर देते तो हम क्या करते? यही सवाल है। और इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो पहले अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है हमने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया, और उन्होंने कहा कि ये एक हताश गवर्नमेंट इस तरह का रुख लेती है और इस तरह के स्टेप्स लेती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पुलिस कर्मी और प्रोटेस्टर चाय पी रहे हैं एक साथ, और अरुण पुरोहित ये खुलासा करता है इस बात का कि कितना आप प्रोटेस्टर्स को वहां से हटवा रहे थे। और नाविका जी, अगर षड्यंत्र बीजेपी इसे बुला रही है तो इसे ऐसा क्यों नहीं माना जाए? नाविका जी ये प्रोटेस्टर बार बार इस बात को कांग्रेस करके ना इनका एक सिस्टम चला रखा है देश के अंदर। आप चन्नी जी पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री है, स्मृति ईरानी जी वो मंत्री नहीं है क्या? उनके शब्दों को जा रहे हो आप?
आप दूसरे मंत्रियों के शब्दों पर जा रहे हो, अभी बी श्रीनिवास की बात की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की, तो जिस इनके भी यूथ कांग्रेस इनके यूथ विंग के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने मंत्री रहते हुए कहा कि गोली मार दो सारों को, उनको प्रमोशन दे रहे हो, ये युवाओं की बात। वरुण जी हम किसी की बातों, वरुण जी हम किसी की बातों पर नहीं जा रहे, हम किसी की बातों पर नहीं जा रहे, हम दृश्यों पर जा रहे हैं और तस्वीरें। इंटेलिजेंस क्या करती है फिर प्रधानमंत्री की, इंटेलिजेंस क्या करती है मुझे बताइए। प्रधानमंत्री का 20 किलोमीटर का रूट है, प्रधानमंत्री का वहां रोका, जब आपके राज्य में है तो प्राइमरी ड्यूटी किसकी है इंटेलिजेंस देने की। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों की बात मान लूं कि चन्नी की सरकार गड़बड़ कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस क्या स्टेट की गवर्नमेंट के भरोसे हो जाते हैं पूरे? नहीं होते, प्लेन क्लोथ में सारी इंटेलिजेंस घूमती है जगह जगह। एक मिनट। अच्छा आपने इंटेलिजेंस पर सवाल उठाया, आइए पढ़ी है एसपी जी, सवाल किसी पे नहीं उठा रहा हूं, उसकी इंक्वायरी करी है। अगर चन्नी की सरकार में कोई अधिकारी रेस्पॉन्सिबल है, अरे एक मिनट वरुण जी, एसपीजी की प्रोटोकॉल मैंने अभी पढ़ी है, सुन तो लीजिए वरुण जी, सुन तो लीजिए कि द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बी द प्राइमरी विल बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल बट विल वर्क इन कंजंक्ट एंड इन कंजंक्शन विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग अ स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सही कहा, उन्होंने तो आपके डीजीपी से पूछा, पंजाब के डीजीपी से, डीजीपी ने कहा रूट क्लियर है। आप मुझे कहिए वरुण जी, हम क्या ऐसा देश बनना चाहते हैं कि डीजीपी की जुबान पे कोई भरोसा नहीं करे? आप वो तो देश नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूं कि देयर वाज एन ऑल राउंड फेलियर। अब इंक्वायरी बोलेगी कौन कितने पानी में था, तो इंक्वायरी मैं तो कह रहा हूं इंक्वायरी कराइए आप कांग्रेस आपके पास। एक बार भी किसी ने रैली की फोटो तो नहीं दिखाई, रैली में इतनी भीड़ बैठी थी, किसी ने कोई नहीं दिखा रहा कि भीड़ थी कि नहीं थी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उसकी तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए और तुरंत रिपोर्ट आनी चाहिए। भीड़ बारिश में अगर नहीं आ रही, भीड़ बारिश में नहीं आ रही और प्रोटेस्ट में बारिश में आ गए, राकेश सिन्हा प्रियंका गांधी को बगैर किसी उसके साथ साथ रहते नहीं आई रैली इनके प्रोटेस्टर सारे आ गए जिनके साथ पंजाब पुलिस के कर्मी उनके साथ चाय पी रहे थे, वो दृश्य नजर आ रहा है और वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है दृश्य। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे राकेश सिन्हा जी, ये कौन सी बात छुपा रहे हैं ये? और अगर रात तक चन्नी जी देख रहे थे कि सारा सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं कि नहीं, तो क्या सुबह उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, सुबह देखने की जरूरत नहीं थी? देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वह अधिक खतरनाक है जो ओरिजिनली एक्ट हुआ है। हिज डिफेंस इज मोर डेंजरस देन ओरिजिनल एक्ट ऑफ सबोटाजिंग हिज प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग वहाँ आए और सुरक्षा में सेंध मारा उन सबको जस्टिफाई कर रहे हैं, उन सभी ऑफिसर्स को क्लीन चिट दे रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए ये चूक नहीं है, चूक वहाँ होती है जहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई हम उसको एक अननोइंगली एक मिस्टेक हो जाता है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये चूक नहीं है, ये साजिश है और साफ तौर पे साजिश दिखाई पड़ रहा है जिसको पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कितनी घिनौनी और कितनी क्रूरतम राजनीति कर सकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट को, उनके स्वयं के बेटे जो प्रधानमंत्री थे, ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट को किसके दबाव में, परिवार के किस व्यक्ति के दबाव में ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया? कांग्रेस पार्टी आज जवाब दे। जिस कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ने इंदिरा गांधी की हत्या के ऊपर एक ठक्कर कमीशन ने जो सवाल खड़े किए उन सवालों को ठंडे बस्ते में डाला, और राजीव गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थे, वे इंदिरा गांधी के पुत्र थे, ये आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। उस कांग्रेस पार्टी से आप कभी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर जो साजिश हुई है उस पर कोई अफसोस जाहिर करेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस 3 लेयर्स पे होती है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, और उसकी जानकारी मिल जाना, पूरे प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर जाम करके रखना, उसके बाद फोन नहीं उठाना, पंजाब के मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे?
पंजाब के मुख्यमंत्री क्या तैयारी कर रहे थे? साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश थी, इस पर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कार्रवाई जा रहा है और दोनों तरफ से भीड़ आ जाए, ये कैसे हो सकता है? कह रहे वो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आज तक ऐसा हुआ है? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब एसपीजी क्रिएट किया गया, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद, जब कांग्रेस पार्टी कह रही है बार बार कि हमने इंदिरा गांधी की हत्या देखी, हमने राजीव गांधी की हत्या देखी, आपने दो हत्याएं देखी, लेकिन आज आप देश को बताइए कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाला, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो साजिश थी उसकी क्या जाँच करेंगे? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? एक पंजाब के एसएसपी को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, चन्नी इस्तीफा तो कह रहे हैं कि सुरक्षा में सेंधी नहीं हुआ तो गिरफ्तार क्या करेंगे? फिरोजपुर आनन फानन में फिरोजपुर के एसएसपी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया, और समझ रहे हैं कि एक तरफ की सुरक्षा में सेंध हुआ ही नहीं और दूसरी तरफ कहते हैं ना कि सीना जोरी भी चल रही है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे बड़ा सवाल ये है जो उठा रही है पब्लिक के, ये लोग वहां जब रूट नहीं था तो ये किसके पास और कहां से ये इंफॉर्मेशन लीक हुई कि प्रधानमंत्री का काफिला इस सड़क से जाएगा? प्रोटेस्टर्स वहां आए कैसे, सड़क को रोका कैसे? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, तीन बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी थी काफिले में लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थे, क्या ये सुरक्षा सेन सबसे बड़ा एविडेंस नहीं है? नाविका जी, ये प्रमाण है कि ये सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग था, सोची समझी साजिश थी। और मैं आपको और भी बताता हूं, देखिए अब क्या कहा जा रहा है, क्या तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री जी की जो इंटेलिजेंस टीम है वो कुछ क्यों नहीं की, वो कुछ क्यों नहीं कर पा रही थी? मुझे एक बात बताइए, गजब का मामला है, अगर प्रधानमंत्री किसी विपक्ष के राज्य में चले जाए तो विपक्ष के राज्य के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में, मतलब विपक्ष का एक यहाँ पर प्रवक्ता बैठकर कह रहा है कि मैं अपनी संवैधानिक ड्यूटी नहीं निभाऊंगा, यदि आपकी इंटेलिजेंस हो तो आप अपनी जान बचा दीजिए वरना प्रधानमंत्री की जान भगवान भरोसे। इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान बताता है कांग्रेस की नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, हम लोग एक डिबेट में बैठे, इस प्रकार से ये कोई मोहल्ला नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये इनके एक नेता ने कहा 10,000 की फोर्स हमने लगाई थी सिक्योरिटी में, तो ये तो आपके फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है कि 10,000 पुलिस में लगाने के बाद भी आप चंद प्रोटेस्टर्स नहीं, पेड पॉलिटिकल मर्सिनरीज, नाविका आप उनको प्रोटेस्टर्स प्लीज मत कहिए, दीज वर पेड पॉलिटिकल मर्सिनरीज सेंट टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दे वर नॉट स्टॉप्ड बाय 10,000 पुलिसमैन ऑफ पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब के सीएम और पंजाब के डीजीपी ने कुछ सख्त निर्देश उनको दिए थे कि आज ये ऑपरेशन करना ही है, और इसीलिए वो खुद भी गाड़ी में से गायब थे, वो आए नहीं, क्योंकि जब ये अंजाम दिया जा रहा है निश्चित रूप से वो वहां पे नहीं रह सकते, इसीलिए फोन नहीं उठाया गया। और मैं आखिरी चीज पूछना चाहता हूं कि देखिए ये बार बार क्यों होता है कि राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है हर जगह, चाहे वो पुलवामा हो, भारत पर दोष डालना हो, कांग्रेस पार्टी तैयार है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना हो, कांग्रेस पार्टी तैयार है, चाइना कल तक चीन को, बिल्कुल कल तक चीन को ये इन्होंने मान लिया था कि चीन सच बोलता है, और भारत के ना सिर्फ सरकार पर भारत के आर्मी को, जवानों को भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और आज सीधा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतना बड़ा सेंध, क्या ये एक इत्तेफाक है या एक साजिश? यही सवाल आज पूछ रही है पब्लिक और पब्लिक जवाब लेना चाहती है। अब तक जो आपने सुना, आप किस तरफ हैं हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। आज अपने मेहमानों से मैं धन्यवाद कहती हूं और छोटा सा ब्रेक लेती हूं, लेकिन यह खबर और बहुत बड़ी खबर चलती रहेगी यहां टाइम्स नाउ नव भारत पर, जाइएगा मत।